हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हुए होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:15 और आज है सैटरडे का दिन, 28 अगस्त तारीख है आज, और आज है लल्ही छठ का त्योहार। तो लल्ही छठ का त्योहार आप लोग जानते होंगे, हल छठ नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं पे इसे। और मैंने इसके बारे में लास्ट ईयर ब्लॉग बनाया था वीडियो, आप लोगों ने नहीं देखा है तो लल्ही छठ की स्टोरी भी बताई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं क्या त्योहार है कैसे है। तो मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग पिछले साल के लल्ही का ब्लॉग देख सकते हैं। और आज लल्ही छठ का त्योहार है, इस दिन व्रत किया जाता है, बेटों के लिए व्रत किया जाता है और जिनके बेटे होते हैं वही ये व्रत करते हैं। तो बेटों की अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए ये व्रत होता है, तो सारी माएं करती हैं। तो हर साल मेरी मम्मी जी भी करती हैं ये व्रत और इस साल भी उन्होंने किया है, बट इस साल वो पूजा नहीं करेंगी क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि 2 महीने पहले मेरे बड़े ससुर जी का स्वर्गवास हुआ है। तो इस साल घर में कोई बड़ी पूजा वगैरह नहीं होगी, व्रत में जो भी व्रत त्योहार आएंगे ना तो व्रत रख लेंगे, खाली व्रत रखेंगे, पूजा वगैरह नहीं करेंगे। तो मम्मी ने व्रत रखा हुआ है और व्रत ये होता है, कोई कोई सारे लोग तो पूरे दिन का करते हैं, बट मेरी मम्मी जी जो हैं उनको, मतलब मेरी सासू माँ को, उनकी सासू माँ ने यही बताया था कि 2 बजे तक पूजा करने के बाद में जब वहां से वापस लौट के आते हैं तो पूजा करके और फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं। तो मम्मी जी ऐसा ही करती हैं और बहुत लोग इसको पूरा दिन भी व्रत रखते हैं। तो हमारे घर में ऐसे ही चलता रहे प्रथा, तो ऐसे ही व्रत होता है ये वाला। और मम्मी अभी गई हैं वहां पे पूजा देखने के लिए, इस साल मम्मी पूजा नहीं कर रही हैं, बस वो देखने गई हैं। सारी लेडीज गांव की एक जगह ग्रुप में इकट्ठा होकर वहां पे पूजा करती हैं ना, तो वहीं पे गई हुई हैं मम्मी और आएंगी तब लंच करेंगी। तो उनका लंच अभी मैंने रख दिया ढक करके और बाकी सबने लंच कर लिया, बना खिला दिया है सबको और अभी रूम में आई हूँ थोड़ा, और बस यही सब हो रहा है। शाम को पांडे जी आएंगे, आज सैटरडे है तो शाम को पांडे जी भी आ जाएंगे, तो यही सब चल रहा है आज। सो फ्रेंड्स, इस बार पूजा नहीं हो रही है लल्ही छठ की, तो इसलिए हम लोग भी नहीं जाएंगे। पिछले साल हम लोग गए थे और वो घास में हमने गांठ बांधी थी, तो वो सब अब इस बार हम लोग नहीं करेंगे हमारी फैमिली में, मतलब ऐसा है तो। और ये साल भर के बाद ही अगली बार जब आएगा तब हम करेंगे। और लल्ही छठ के 2 दिन बाद आता है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो आज छठ है, फिर कल सप्तमी हो जाएगी और परसों होगा जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। तो त्योहारों की लड़ी लग गई है, सावन आते ही, सावन के बाद से ही सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आज लल्ही छठ है और फिर जन्माष्टमी होगा परसों, तो यही सब हो रहा है। और जो लोग हमारे घर में, ये भी प्रथा है कि जो लोग लल्ही छठ का व्रत करते हैं वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं, ऐसा मेरी सासू माँ को उनके पिताजी ने बताया था। तो वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती हैं क्योंकि वो लल्ही छठ का व्रत करती हैं। तो कुछ कुछ रिचुअल्स मुझे अब गांव में रहने लगी हूं तो पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। कल को अगर मुझे भी करना हुआ लल्ही छठ का व्रत, तो मैं भी जो मेरी सासू माँ मुझे ऑब्वियसली जो बताएंगी मैं वही करूंगी ना, जो रूल्स चले आ रहे, जो प्रथाएं चली आ रही हैं। तो आधे दिन का वो व्रत करती हैं तो आधे दिन का मैं भी करूंगी, तो ऐसे ही चलता आएगा, ऐसे ही चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बोलते हैं उसको, हस्तांतरित होती रहती, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रहती हैं। ऐसे ही तो अपनी संस्कृति और कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो आजकल जरूरी होता है कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से परिचित कराएं, ताकि कितने भारी भरकम शब्द बोल रही हूँ ना, हाँ, तो परिचित कराएं ताकि वो अपनी इस चीज का। फ्रेंड्स, सभी मम्मी आ गई है और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है, तो ये देखिए ये प्रसाद है, ये जो महुआ का पेड़ होता है ना, तो महुआ के जो फूल होते हैं उन्हीं का ये प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे लल्ही छठ में, और भैंस के दूध का, दही का, और ये साथ में प्रसाद रहता है, और ये है नारियल। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो आज बन रहे कद्दू की सब्जी, आलू और कद्दू मिक्स करके बन रहा है, एकदम देसी स्टाइल वाला, यूपी में जो पूड़ी कचौड़ी के साथ खाया जाता है ना, वही वाला। तो जब भी कद्दू बनते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है, पहले वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ पूड़ी ही खाई जाती है कचौड़ी, तो कचौड़ी बनाने के लिए बोला है। और कचौड़ी भी कैसी, सिंपल आटा जो लगाते हैं हम रोटी वाला, बस वही आटे का गोल गोल थोड़ा छोटा छोटा और मोटा मोटा बेल देंगे तो वही कचौड़ी हो जाता है यहाँ पे। और जो नमक और मंगरेल वगैरह, कलौंजी वगैरह डाल के जो बनता है उसको खस्ता कचौड़ी बोलते हैं,
और स्टफ्ड कचौरी तो अलग होती है, आलू वाली या दाल वाली, तो वो सब अलग ही होती है, बट इसको भी कचौरी बोलते हैं यहाँ पे। सिंपल आटे को ही पूड़ी की तरह बेल के और तल देना कचौड़ी। तो नॉर्मली जब कद्दू की सब्जी बनती है तो ये वाली ही कचौड़ी बनती है, तो आज यही कचौड़ी बनेगी। और मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने, सब्जियों की चॉपिंग कर ली थी मैंने अपने रूम में ही बैठ के अभी गैस जला के, और छौंकने जा रही हूँ सब्जी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों छौंक रही, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है नीचे, आजकल मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, तो इसके लिए क्या कहते हैं मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ गैस को, और आराम से बैठ के नीचे, और तब मैं इसको करती हूँ काम को, तो मुझे अच्छा रहता है। और दिन में सुबह के टाइम में तो खाना सारा मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब खड़े खड़े ही बना लेती हूँ, बट शाम के टाइम में क्या होता है कि रोटी वगैरह जब सेकना होता है, बेलना होता है, तो मेरे बैक में बहुत पेन होता है, और उसकी वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, तो मैं आराम से बैठ के बनाती हूँ रोटियाँ। दो चार रोटियाँ बनानी हो तो फिर भी खड़े होके बना लें, सेक लें जल्दी से, बट अभी पूरी फैमिली के लिए रहता है तो कम से कम 20-25 रोटियाँ तो बनानी ही पड़ती हैं, तो इसलिए आराम से बैठ के बनाती हूँ और मुझे बहुत ईजी लगता है। तो इसमें गैस को मैं नीचे उतार लेती हूँ और बना के फिर वापस साफ़ सफ़ाई करके गैस को ऊपर ही रख देती हूँ, तो इस तरीके से काम होता है मेरा किचन में। तो ये कुछ देर के लिए उतारा है मैंने, जब तक मैं खाना बना रही हूँ तभी तक, उसके बाद फिर वापस ऊपर ही कर दूँगी गैस को। तो इसलिए मैंने इसका जो पाइप है ना, वो जो इसका होल होता है काउंटर टॉप पे, उस होल में से नहीं निकलवाया है और बाहर ही रहने दिया है, ताकि बार बार मैं उसको ऊपर नीचे कर सकूँ जब मुझे सुविधा लगे। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने, तो इसमें मैं लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ डालने वाली हूँ। तो देखिए लहसुन की चॉपिंग कर के रखी है मैंने, और मेरी आदत है कि मैं सब्जियों को डबल बार धोती हूँ, पहले ही मैंने भले ही काटने से पहले धोया हुआ हो, पर फिर भी मेरा मन नहीं पड़ता, मैं एक बार ज़रूर धोती हूँ फिर भी। तो मैं लहसुन प्याज वगैरह को भी धोती हूँ, मेरे ससुराल में नहीं धोया जाता है, सब लोग को अजीब लगता है कि लहसुन प्याज भी धोती है, बट मुझे मेरा मन नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि रेड़ी पे ठेले पे सब्जी मंडी में मतलब वहीं ज़मीन पे गिर जाता है, फिर वो लोग उठा के रख भी लेते हैं, तो फिर हम उसको कैसे इस बस छिलका उतार के यूज़ कर सकते हैं, मन नहीं पड़ता, तो मैं इसलिए लहसुन प्याज भी धोती हूँ। तो मैं धो के और यूज़ करती हूँ, और ये देखिए मैं तड़का भी लगा रही हूँ, और तड़का लगा के फिर हमारी सब्जी सिंपल सी बनाऊँगी, कचौड़ी। और शाम को पांडे जी आने वाले हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आपके लिए भी बनाऊँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनका गांव में कहीं पे न्योता है, मतलब कि दावत है, डिनर है, दावत क्या किसी की मतलब जो होता है ना तेरहवीं, तो वो तेरहवीं का पूड़ी है वो खाना है, तो बोले कि मैं वहीं पे जाऊंगा और खा लूंगा। तो हमारे किसी मतलब रिलेशन में ये गांव में, तो उनके यहाँ पे जाना है उनको, तो उनके लिए नहीं बना रही हूँ, पापा जी मम्मी मेरी छोटे सिस्टर इन लॉ मैं ध्रुही हम सब लोग हैं, तो हमने भी सोचा कि चलो कद्दू बन रहा है तो कचौड़ी वगैरह बना के और जल्दी से खा लेंगे। तो ये देखिए अभी मेरे आलू भी धुल गए हैं, और जब मेरा ये प्याज का तड़का थोड़ा हो जाएगा तो आलू ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा आलू को भूनूंगी, उसके बाद कद्दू भी ऐड कर दूंगी, और कोई मसाला वसाला सब्जी में नहीं डालेगा आज, बस सिंपल ये प्याज लहसुन का ये तड़का और हल्दी नमक डाल के ये सब्जी बनेगी, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसको लास्ट में आपको क्या करना होता है, सब्जी पकने के बाद उसको खूब अच्छे से आपको मैश कर देना होता है, तो वो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी देखिए आलू डाल रही हूँ मैं, तो चलिए आलू हमारे हमने डाल दिए हैं, इसको थोड़ा भूनेंगे, और मैं आपको पास थोड़ा पास से कैमरा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए आलू डाल दिया है, इसको थोड़ा भूनेंगे, और अभी देखिए अब कद्दू भी धो ले रही हूँ मैं एक बार और पानी में अच्छे से, और फिर कद्दू को भी ऐड कर देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनता है मेरा गांव में डिनर, और आराम से बन जाता है शाम के टाइम में जल्दी से। और किचन में बहुत गर्मी रहती है आजकल, बारिश हो रही है तो थोड़ा ठंडा मौसम है ठीक है, और जिस दिन बारिश होती है उस दिन कीड़े वगैरह उड़ने लगते हैं, तो इसलिए जल्दी डिनर बनाना पड़ता है, और जल्दी ही डिनर हो जाता है हमारा, 7-7:30 बजे तक हमारा सारा डिनर हो जाता है गाँव में, और 8 बजे तक तो सब क्लीनिंग हो जाती है किचन की सब अच्छे से करके, और फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, तो इस तरीके से काम रहता है। तो चलिए देखिए मैं मसालों में क्या ऐड कर रही हूँ, तो बस हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, और यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, तो इसको तेल में ही हल्दी को भूनूंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरी वीडियोस में कि हल्दी को आप पहले ही तेल में अच्छे से भून लेंगे, तो जब हल्दी भून जाती है तो अपने सारे जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो छोड़ देती है, तो आपको उसको उसका बेनिफिट आपकी बॉडी में सारा अच्छे से मिलता है,
और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। देखिए मेरी मसालेदानी की दो कटोरी में दो जगह मिर्च है, एक तो तीखी वाली जो घर की पिसी हुई मिर्च है वो है, और एक MDH वाली है जो थोड़ी कलर के लिए होती है, अच्छा कलर देती है सब्ज़ी में। तो हल्का सा मैंने ज़रा सा वो डाला है बस। तो हमारी सब्ज़ी में देखिए आलू भून चुके हैं, तो कद्दू भी ऐड कर देते हैं, और कद्दू ऐड करके इसको भी थोड़ा भूनेंगे, और भून के धीमी आंच करके ढक के रख देंगे। ये अपने ही जूसेस में पकेगा, धीरे धीरे अपना ही पानी छोड़ता रहेगा और उसी से भाप से स्टीम से पकता रहेगा। और कद्दू में आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह से कद्दू पका लेंगे आप तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है कद्दू की। जिन लोगों को नहीं भी पसंद आती होगी, पसंद आने लगेगी, ये मेरा दावा है। तो इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिएगा आप लोग कभी। तो चलिए इसको ढक देते हैं, और चलिए फिर आटा भी लगा लेते हैं हम जल्दी से, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी पक गई है, तो अब मैं जा रही हूँ इसको अच्छे से मैश करने। तो ये स्पैचुला के हेल्प से ही मैं इसको खूब, देख रहे हैं आप, खूब अच्छे से मार मार के इसको अच्छे से मैश कर देंगे, और इसका जो भी पानी इसने छोड़ रखा है वो सारा पानी सुखा देंगे, और इसको एकदम अच्छे से मैश कर देंगे, जैसे एकदम हलवा हो जाता है ना उस तरीके से। आलू और कद्दू सब एक में मिक्स हो जाए एक दूसरे में, ऐसे अच्छे से मैश कर देते हैं, फिर इसका जो असली टेस्ट आता है ना आप फिर भूल ही नहीं सकोगे कभी। तो चलिए देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, और टाइम हो गया है, पांडे जी भी आने वाले हैं, किसी भी टाइम आ जाएंगे। तो चलिए देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है, इसको ढक वक देते हैं, और फिर देखते हैं पापा जी भी ऊपर आएंगे तब मैं उनके लिए फिर गर्मा गर्म कचौरियाँ निकालूंगी, फिर सभी लोग साथ में, पापा जी आ जाते हैं खाने के लिए तो फिर मैं गर्मा गर्म बनाना शुरू कर देती हूँ, और उसी समय सब लोग खाने लगते हैं। तो यहाँ पे चलिए सब्जी हो गई है, ढक देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, और ये देखिए पांडे जी आ गए हैं, और द्रोही का और पिताजी और बेटी जी का बहुत ही गहरा भरत मिलाप हो रहा है। तो चलिए इन लोगों को एंजॉय करने देते हैं, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।